यूपी के हमीरपुर जिले के शिक्षा विभाग में आज समय हड़कंप मच गया जब स्कूल पढ़ने गए 40 से अधिक बच्चे एकाएक सर्दी के चपेट में आकर बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में स्कूल स्टाफ द्वारा इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम इन बच्चों के इलाज में जुटी है और सारे बच्चों की हालात में सुधार बता रही है। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर इस घटना की जांच में जुटे हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जमा हुए ये वो बच्चे हैं जो भीषण कोहरे और ठंड में भी पढ़ने के लिए अपने स्कूल पहुंचे थे, लेकिन स्कूल पहुंचने के चंद घंटों बाद ही इन बच्चों को उल्टी, सरदर्द और सर्दी लगने की शिकायत होने लगी। एकाएक 3 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ने से स्कूल में कोहराम मच गया और स्कूल स्टाफ ने एम्बुलेंस की मदद से बच्चों को यहां पहुंचाया है। मामला किरारा थाना क्षेत्र के लल्ली केडेरा प्राथमिक स्कूल का है, जहां आज स्कूल पढ़ने पहुंचे 40 से अधिक एकाएक सर्दी की चपेट में आकर बीमार हो गए। विद्यालय के बच्चे हैं और सर्दी की वजह से अचानक बच्चों की 40 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे सरकारी अस्पताल पुराना में लाया गया, जहां पर बच्चों की हालत कुछ ठीक नहीं है। इंफेक्शन से पीड़ित बच्चे ऐसे महसूस समझ में आए, खांसी लोगों ने खाए नहीं था, सुबह सुबह जब ऐसे स्कूल आए थे छोटा एक हफ्ते में बढ़ जाएंगे।